प्रिय बच्चों, जैसा कल अभ्यास जो है 3.1 आपका पूरा हो गया था, आज है अभ्यास 3.2। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित को हल कीजिए और परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसमें पहला दूसरा तीसरा पार्ट दिया हुआ, हम आपको दूसरा पार्ट बता रहे हैं कैसे इसको हल करना है। दूसरे पार्ट के अंतर्गत जो दिया हुआ है 3/5 की होल घात -2 गुणे 3/5 की होल घात -3 है। कल हमने आपको ये बताया था जब आधार बराबर होता है तो घाताएं गुणा में घाताएं घाते जुड़ जाती हैं और भाग घातें घट जाती हैं। तुमने देखा है इसका जो है 3/5 आधार, इसका भी दिया 3/5 आधार, दूसरी भी परिमेय संख्या का दिया हुआ है। घातांक इसका -2 है, इसका घातांक कितना है -3 है। जब आधार बराबर है बच्चों तो क्या करेंगे, इसके घातांक जो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या यहाँ पर लिखेंगे 3/5 की होल घात -2 माइनस कितना हो गया 3 हो गया। अब घाते तो जुड़ जाएंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो घाते जुड़ कितना हो गया 3/5 की होल घात -5। अब इसे अगर हमें ये धनात्मक परिमेय संख्या के रूप में करना है तो क्या करना है, तुमने देखा घातांक इसका कैसा है ऋणात्मक, संख्या पलट जाएगी आपकी तो कितनी जाएगी भैया 5/3 की होल घात 5 आ गया। अब क्या करेंगे इसको हल करना है, तो ये घातांक हमको संकेत कर रहा है, बता रहा है कि 5/3 को हम 5 बार गुणा के रूप में लिखें। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/3 × 5/3 × 5/3 × 5/3 × 5/3। आप भी उत्तर तो कर ही लोगे, अगर घातांक यहाँ 4 होता तो इसको 4 बार गुणा के रूप में लिखते, अगर घातांक यहाँ 9 होता तो इसको 9 बार लिखते। तो अब क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा कर लेनी, नीचे नीचे गुणा कर लेनी है। 5 × 25 = 125 हो गया, इसको 5 से गुणा कर दो। 5 × 25 = 5 × 2 = 5 × 2 = 12 × 1 = 5 = 31 हो गया। कितना भैया आ गया ऊपर वाली संख्या गुणा करने पर 3125। अब नीचे की बात गुणा करेंगे 3 × 3 = 9 × 9 = 27 × 27 = 3 साइड में कर लेंगे 3 × 7 = 21 आया 3 × 2 = 6 × 2 = 8 हो गया। फिर इसको 3 से गुणा कर देंगे 3 × 1 = 3 × 3 = 24। इस प्रकार से जो हमारा कितना आ गया 2/243। तो भैया आंसर क्या आ गया आपका 3125/243, यही आपका आंसर हो गया। थैंक यू। जैसे शेष बचे दो पार्ट आपको फिर से करना है।